साहब कहने की जरूरत नहीं है, इसमें लूट घसूट कभी होती नहीं है। सरकार तो छोड़ो, सरकार क्या करेगी, लूट घसूट तो कुछ कैंडिडेट करते हैं, कुछ नेता करते हैं, खुद जनप्रतिनिधि करते हैं। सरकार की तो सह होती है, सरकार हमारी सह नहीं देती। हमारे बीजेपी में जनप्रतिनिधि भी ऐसे नहीं है जो इस तरह की लूट घसूट करें। किससे छुपी है लूट घसूट मुझे बता दो। कोई भी ठेका झाड़ू से लेके और बड़े से बड़े कॉन्ट्रैक्ट किसके पास हैं, कोई लेके तो बता दे अन्य बरादरी का, एक भी ठेका लेके दिखा दे। सारे ठेके उन्हीं के पास हैं, सारे दलाल उन्हीं के बैठे हैं, घर में बैठ के बंटवारा होता है, अधिकारियों घर पर बुला लेते हैं, अधिकारियों की गलतियों नहीं है, कोई मानता नहीं है, 24 घंटे में उसका ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए अधिकारी प्रेशर में है। भाई अधिकारी तो प्रेशर में होगा ही, अगर कोई बात नहीं माने तो दो दिन के अंदर ट्रांसफर तुम्हारे सामने नहीं हो रहे क्या? तो अधिकारी तो काम करेगा, अपनी गर्दन फंसा रहे हैं अधिकारी तो। बुल्ले के अधिकारियों की हिम्मत नहीं है, सरकार ने छूट दे रखी है, सरकार को अपनी कुर्सी चाहिए बचाने के लिए। क्या कर रहे हैं एमएलए, कितनी लूट कर रहे हैं, क्या अन्याय कर रहे हैं, किसको मार रहे हैं, कानून हाथ में ले रहे हैं, लेते रहो, हमारी कुर्सी सलामत चाहिए। ये तो गहलोत साहब सोचना चाहिए, ये जब कुर्सी बचाने के चक्कर में पूरे जो हिंदुस्तान को ये विधायक जी के ये दुनिया को बताते रहते हैं जसवंत भाई ये है, जसवंत भाई है, इनके खुद के खिलाफ ये 13 मामले हैं और कम से कम 20 मामले में फाइल नहीं होने दी। ये स्थिति है इनकी, सबको मैं एक कॉपी दूंगा। और जब से एमएलए बने हैं तब से 25 बार की शिकायत है, झगड़े किए लेकिन FIR नहीं होने देनी, आज FIR 50 से ऊपर हो गई। तो इस तरह के कारनामे हैं। और पुनः मैं अवगत करा रहा हूँ, ये सोची समझी चाल है निश्चित तौर पे। एक जरूर मैं एक कोटेशन कहना चाहूँगा जो मुझे याद आ गए, एक जरूर आपसे कहना चाहूँगा और विधायक जी को मैसेज देना चाहूँगा, बड़ा अच्छा है, क्योंकि इनकी जो शैली रही है, इनका जो चरित्र रहा है, इनकी जो बुनियाद रही है, इनकी जो युवावस्था की, तो 47-48 के हैं, जिस तरह के कारनामे रहे हैं, तो मैं उसके लिए कोटेशन कहना चाहूँगा कि अतीत के कठोर हृदय पर, अतीत के कठोर हृदय पर जो कुटिल रेखा के चित्र खिंच चुके हैं वो क्या कभी मिटेंगे? अगर भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हो तो कुछ रमणीय चित्र खींचिए, दूसरों को सुख देकर खुद सुखी रहने का अभ्यास कीजिए। ये राजनीति आज है कल नहीं है, आज पावर है कल नहीं है। रावण का राज नहीं रहा, कंस का नहीं रहा, जरासंध का नहीं रहा, हिरण्यकश्यप का नहीं रहा, बड़े बड़ों के नहीं रहे, सरकार आनी जानी लगी है, पावर आनी जानी लगी है। कुछ ऐसे मैसेज छोड़ के जाओ कि तुम्हें कंस और रावण की तरह याद न करके लोग तुम्हें और अच्छी तरह से याद करें, हरिश्चंद्र की तरह, प्रहलाद की तरह, तमाम जो हमारे आदर्श हुए हैं उनसे कुछ सीख लो। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रेस वार्ता का मुख्य मकसद केवल यह है कि जिस तरह से अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं उनका विरोध करना और जनता तक ये सारी बातें पहुंचाना। आपके माध्यम से आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आपसे अच्छा माध्यम कोई दूसरा नहीं है। आप पर किसी का प्रेशर भी आज तक नहीं रहा है और निर्भीक होकर निष्पक्ष रूप से जिस तरह से पिछली बार भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और पूरे हिंदुस्तान को ये मैसेज दिया उसका भी मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। आज जो बाड़ी में घटना घटी है निश्चित तौर पर बहुत निंदनीय है, उसकी घोर निंदा करता हूँ मैं। देखिए एक AEN और JEN ये लगे हुए हैं बाड़ी के अंदर और जिले भर में, राजस्थान भर में है बिजली की जिस तरह से आपाधापी और चोरी जो होती है उसका मूल कारण है सरकार द्वारा अत्याधिक यूनिट के पैसे बढ़ाना। इसे किसान मजदूर गरीब आदमी इस बोझ को झेल नहीं पाता है, इसकी तो कोई रेमेडी निकाली नहीं है। और इन्होंने आदेश कर दिए कि वसूली करिए और वसूली करने के लिए अधिकारियों को डेप्यूट कर दिया। इधर तो अधिकारियों पर इस बात का प्रेशर है कि आप वसूली करिए। और इधर बाड़ी विधानसभा के क्षेत्र से विधायक जी की लिस्ट आती है कि इन इन गांवों में जाने की जरूरत नहीं है, ये जाति विशेष के लोग हैं, इन गांवों में कतई जाने की जरूरत नहीं है। इस बात को लेकर कई बार और टॉक्स हुई है AEN की और विधायक जी की, इसके बावजूद अत्यधिक प्रेशर आया
तो पहली घटना घूले गांव की है, घूले के प्राप्त है, इन्होंने 5-6 डीपी उठा ली जाति विशेष की, तो इन्होंने कह दी कि इसकी दाढ़ी मांग लगा दो और डीपी उतार लो। एईएन ने एमडी को फोन किया, एमडी ने तत्कालीन से बात की, इनका ट्रांसफर कल हो गया है, इन्होंने कहा कानून को हाथ मल लो, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी, तो डीपी उन्होंने वापस उस गांव वालों को कर दी। दूसरा प्रकरण जाति विशेष का गांव महुआ खेड़ा है, लगातार 4 महीने से चल रहा है, सैकड़ों डीपी उठ चुकी हैं, तब तक तो कोई कार्रवाई हो, कोई लेना देना नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई शिकवा शिकायत नहीं, क्योंकि इनके अनुसार काम हो रहे थे। अब ज्यादा प्रेशर आया तो महुआ खेड़ा गांव में ये गए और वहां से डीपी उठाई, उन्होंने शिकायत की, बोला साहब आप पे लगातार बिल हैं, जाके और उन्होंने कहा कि डीपी को भेज रख दो, ये कैसा मेरी नौकरी प्यारी है, आप ऊपर बात करो, या तो इन बिलों को माफ करवा दो या कम करवा दो 10-20-25%, हमारी तो नौकरी का सवाल है, हम किधर जाए, बोला मैं तुझे सिखाऊंगा कानून। और वहां जाके 5-7 साथियों सहित जो घटना घटी है वो आपसे किसी से छुपी नहीं है। हद तो तब हो रही है जब मैं आपको 10-20 गांवों के नाम बताऊंगा जहां बोरिंग हो रखे हैं, अवैध रूप से कनेक्शन ले रखे हैं, अवैध रूप से बोर है, यही इनकी विभाग की हिम्मत और औकात नहीं है कि उनको खा। भैया पूरा पैसा केंद्र का है, पूरी एक नोट है, सिंगल पैसा, एक रुपया नहीं है, और वहां कह रहे हैं लेना एक न देना दो। ब्राह्मणों की तरफ कोई आंख उठाएगा, ब्राह्मणों की तरफ कोई देखा, अरे ब्राह्मणों की दुआई देने वाले, ए ब्राह्मण के रक्षक मुझे एक बात बता दे, तेने उस के शर्मा जो बेचारा 20 बार ठेकेदार गया कि भाई मैं कमीशन बाद में दे दूंगा, उसके नहीं नहीं कमीशन नहीं है तो कोई तरह मेरे पास नहीं होगा, मजबूरी में उसने दुखी मन से जाके जो नाली बनाई थी बुरी नाली तोड़ी, तुम्हारे सामने अखबार पड़ी होगी, उसने स्पष्ट तौर पर कहा है तो ब्राह्मण नहीं है। एक लड़का खिदरपुर का, वो 12 बाई के मेले में कुछ बोल गया होगा, मैंने तो बोला कैसे, 3 लड़के भेज दिए ठाकुरों के, जाके उस ब्राह्मण की पिटाई की, 12 ब्राह्मणों की दुआई देने वाले। मेरे ख्याल से इनको ज्यादा कोई जानकारी इसलिए हो नहीं सकती कि शिक्षा भी नहीं है, अनुभव भी नहीं है, और इन्होंने कहीं उठक बैठक सत्संग नहीं किए, भले आदमी में कोई बैठे नहीं।